एक और बार आप सभी लोगों का स्वागत है टॉप थ्री शॉमितिम के वीडियो में। आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 23। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का जो थीम है वो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यही बात पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर मोर अमेजिंग शॉमितिम के लिए आप हमारे चैनल टेकर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस सबसे पहले थीम नंबर 1 है जिसका नाम है वंडरफुल वाइब्स। तो इस थीम की जो लिंक है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बट पहले वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो। तो गाइस यहाँ पर उसके आइकन पिक आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया आइकन पिक देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है उसमें आपको कुछ डार्क मोड का स्टाइल है वो देखने को मिल जाता है। ऑलरेडी हमने डार्क मोड की काफी सारी थीम बनाई है जो कि आप चेकआउट कर लेना। गाइस यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन का डिजाइन है वो मुझे काफी पसंद आया। यहाँ पर जो वॉलपेपर है उसका कंट्रोल सेंटर है और उसका जो वेदर इंफॉर्मेशन है वो काफी लाजवाब है। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों का जो थीम है वो बहुत ही पसंद आने वाली है। अब गाइस यहाँ पर थीम का सेटिंग भी आपको चेंज हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आपका सेटिंग चेंज ना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना कि आप अपने डिवाइस में किस तरह से पूरी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें मेरी फेवरेट थीम नंबर 2 की, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी यहाँ पर अच्छा आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा है आपको क्लोक मिल जाता है और काफी अच्छा आपको यहाँ पर कलरफुल आइकन पे के वो देखने को मिल जाता है। जो सभी थीमें वो गाइस आपको मिल जाती है आई बटन में, तो आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस थीम का जो कंट्रोल सेंटर है वो भी आपको काफी कलरफुल है वो देखने को मिल जाता है। थीम की सेटिंग की बात करें तो इसमें भी आपको माइनर से चेंजेस देखने को मिल जाता है जो कि आप चेक कर सकते हैं। अगर अबाउट फोन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपका MIUI लोगो चेंज हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जरूर इस थीम को एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना इन तीनों थीमों में से आपको कौन सा थीम पसंद आई। अब लॉक स्क्रीन भी आप देख सकती है, उसमें भी आपको एक पैनल देखने को मिल जाता है जो कि काफी सॉफ्ट टच के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना ब्राइटनेस, नोटिफिकेशन, वॉलपेपर, ब्लूटूथ सब कुछ यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। जो थीम है वो आपको मिल जाती है थीम स्टोर पर, एज वेल एज आप यहाँ पर आई बटन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका जो फोन डायलर है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी चेंज हुआ देखने को मिल जाता है। तो फाइनली बात करते हैं थीम का नाम, जो थीम का नाम है वो है डिसेंट मिनिमी। तो इसका जो आप आई बटन देख रहे हो अभी उस पर जाके डाउनलोड कर लेना, पर बाद में। अब बात करते हैं थीम नंबर 3 जिसकी काफी रिकमेंडेड आई थी जब मैंने वीडियो बनाया था। तो कैसे जो थीम है वो एंड्रॉइड 12 बेस पर आपको देखने को मिल जाती है, उसका वॉलपेपर भी आपको बाय डिफॉल्ट ही देखने को मिल जाता है। अब सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में आपको गाइस कुछ यहाँ पर विजेट टाइप की आइकन पिक देखने को मिल जाएगी जो कि आप सभी का डिवाइस का काफी डिसेंट लुक है वो यहाँ पर जनरेट कर देता है। और जो कंट्रोल सेंटर है वो भी काफी अच्छा लुक है वो प्रोवाइड कर देता है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये आपको थीम कैसी लगी। अब गाइस यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है वो फिक्स है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर और कोई चेंजेस तो देखने को नहीं मिलता है, बट थीम का जो नाम है वो है लाइट हाउस। आई बटन में जाओ, थीम डाउनलोड करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको थीम कैसे लगी। तो गाइस इसी अमेजिंग शॉमी थीम देखने के लिए आप हमारे चैनल टेकर्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।